नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने जो मोबाइल पे ऐप्स रहते हैं वो अपडेट हैं या कि नहीं, बैक अपडेटेड है। तो ये कैसे पता करते हैं हम लोग तो ऐप्स इंस्टॉल कर लेते हैं लेकिन वो अपडेट नहीं है, ये कैसे पता कर चलेगा? तो ये सिंपल है, हम लोग जहाँ से ऐप इंस्टॉल करते हैं यानी प्ले स्टोर, आपका एंड्रॉयड मोबाइल होगा तो प्ले स्टोर होगा, एप्पल होगा तो एप्पल स्टोर करके रहता है। तो हम लोग, मेरे पास अभी सैमसंग का M11 है, एंड्रॉयड मोबाइल है। तो मैं प्ले स्टोर में जाऊंगा और यहाँ पर देखिए साइड में सर्च फॉर एप्स एंड गेम्स के, यहाँ पे आपका एक फ़ोटो या कोई कौन सा भी आपने फ़ोटो रखा होगा उस फोटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट दिखेगा, जो जिस भी अकाउंट से आपने प्ले स्टोर पे या तो आपके मोबाइल में आपने ये किया हुआ है। और मैंने पहले आपको एक वीडियो में दिखाया है अपना जीमेल अकाउंट कैसे ओपन करना है, तो वहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि जीमेल अकाउंट कैसे ओपन करना है। तो यहाँ पे नीचे देखिए एक ऑप्शन है माई ऐप्स एंड गेम्स, तो ये देखिए माई ऐप्स एंड गेम्स है। इसमें अपडेट्स सबसे पहले ऑप्शन है, अपडेट्स फिर इंस्टॉल्ड। तो इंस्टॉल में हम जाएंगे तो हमारे मोबाइल में जितने भी ऐप्स इंस्टॉल हैं ये सब दिखाई देंगे इसमें। तो इसमें बीच बीच में ओपन है मतलब ये अपडेट ऐप है। और फिर उसके नीचे देखिए अमेज़न शॉपिंग का जो है वो अपडेट के लिए मुझे दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये अपडेट मैं क्लिक करूँगा तो ये अपडेट होने लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ रहा है कि कौन सा ऐप अपडेट है या तो फिर कोई ओपन दिखा रहा है। तो सिंपल है, हम लोग फिर से अपडेट्स के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को सब अपडेट्स के करने के लिए बताएगा। ये देखिए ये मेरे सब ऐप्स अपडेट्स के लिए पूछ रहे हैं। तो मैंने इसके में सेटिंग्स क्या रख करके रखी हुई है कि जब भी इसको वाईफाई मिलेगा तो ये अपडेट के लिए ऑटोमेटिक जाएगा, इसलिए ये अपडेट्स नहीं होते। तो हम लोग को जो भी ज़रूरी ऐप है हम लोग यहाँ पे जाके मोबाइल डेटा से अपडेट कर सकते हैं। तो ये देखिए इतने सारे ऐप्स हैं मेरे, ये सब मुझे अभी अपडेट करने हैं। तो मैंने वाईफाई से तो कनेक्ट कर लिया है, तो ये यहाँ पे ऊपर देखिए अपडेट ऑल भी है। तो ये अपडेट ऑल मतलब टोटल पेंडिंग अपडेट्स के लिए 28 ऐप्स हैं मेरे जो अपडेट नहीं हुए, तो मैं अपडेट ऑल करूँगा तो डायरेक्ट सब ऐप्स अपडेट होने लग जाएंगे। लेकिन मैं एक एक करके लगाऊँगा, सारे एकदम से नहीं लगाऊँगा। तो इस प्रकार हम लोग को अपने ऐप्स अपडेट हो जाएंगे। ये देखिए मैंने अभी एक अमेज़न शॉपिंग का अपडेट के लिए लगाया था, अभी ये अपडेट हो गया, इंस्टॉल हो रहा है वो। फिर मैं नेक्स्ट लगा दूंगा मैसेंजर, तो ये भी इसी प्रकार अपडेट के लिए जाएगा और अपडेट हो जाएगा। तो ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और पक्का सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।